क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रोहतक में कांग्रेस वर्कर बिना अथॉरिटी बैठे बूथ पर। रोहतक लोकसभा सीट पर हो रहे आम चुनाव। झज्जर रोड पर भारतीय कन्या विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बिना अथॉरिटी के ही बूथ में बैठे हुए हैं। मौके पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री व रोहतक से भाजपा विधायक मनीष ग्रोवर तथा पूर्व विधायक बीबी बत्रा अपने साथियों सहित पहुंचकर इसका विरोध भी किया, लेकिन उल्टा कांग्रेसी मंत्री ही उनसे बहस करने लगे। बात हाथापाई तक जा पहुंची। मौके पर पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ा, तब जाकर कांग्रेसी वर्करों ने वहां से निकल जाना ही उचित समझा। फिलहाल व्यवस्था पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुचारू रूप से चल रही है। मुआयना करने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा नियमों का पहले भी उल्लंघन किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। कांग्रेस के इन वर्करों के पास न तो कोई अथॉरिटी लेटर है न ही कोई स्टंप। क्या कांग्रेसी हार के डर से अभी से ही पोंछे हथकंडे अपनाने में लग गए हैं? रोहतक में ईएसआई डिस्पेंसरी में दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता नकली वोटिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। भाजपा नेता ने कहा कि वोट किसी और की है, डाल कोई और रहा है, पर्ची का भी मिलान नहीं हो रहा है। भाजपा नेता ने कर्मचारियों पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। रोहतक से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।